Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों की डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 5 दिसंबर 2021 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की किस तरह की एनर्जी होने वाली है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टारो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर मैं गाइडेड वीडियोस, एनर्जी शिफ्ट की वीडियोस मैं वहां पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो अब देखते हैं 5 दिसंबर 2021 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरह की एनर्जीज होने वाली है कल के दिन के लिए। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, एनर्जी शिफ्ट्स क्या है कल के दिन के लिए। तो पहला कार्ड यहाँ पर द होली किंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ओवर हियर इज पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद अनदर डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड हम इसको इस तरह से रखते हैं। वेट, ओके, सो इस डेक से चेक करते हैं कल के दिन की एनर्जीज किस तरह की होगी, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी दैट कल के दिन की एनर्जी आपके लिए किस तरह की होने वाली है। तो पहला कार्ड आपके लिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज थंडरबोल्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पार्टिसिपेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नथिंगनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इनोसेंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गिल्ट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल के दिन की एनर्जी आपके लिए किस तरह की होगी, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टुमारो, लेट्स सी दैट। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ओवर हियर इज गार्डियन एंजल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ओवर हियर इज सेज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आपके लिए शोलिन मास्टर का कार्ड है। ओके, तो कल के दिन की एनर्जीज बहुत ही डिफरेंट तरह की एनर्जीज है। जैसे कि आप जानते हैं कि नो मून अभी कल के दिन पर हुआ है, तो एनर्जी के अंदर जो मेजर शिफ्ट है वो तो होगा ही, और ये मेजर शिफ्ट यहाँ पर एनर्जीज में नजर आ रहा है। कल के दिन पर आप बहुत ही ज्यादा एनलाइटेंड महसूस करेंगे, आप हर एक चीज को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, आप बहुत जल्द बाजी में कोई भी डिसीजन नहीं बनाने वाले हैं। कल के दिन पर आपका मन ही नहीं मानेगा इस चीज के लिए कि आप कोई जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन बनाएं। आप चीजों को थोड़ा डिले करना पसंद करेंगे, पोस्टपोन करना पसंद करेंगे, और ये चीज अच्छी है। अगर आप ये चीज करते हैं तो डेफिनेटली आपको पास्ट की जो एनर्जीज हैं, एक तो वो बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, और आप अपने फ्यूचर के बारे में जो चीजें लेकर चले हैं, जैसा आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक स्टेप आगे बढ़ सकेंगे। ओके, तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद द थंडरबोल्ट कार्ड है, जो भी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ का था वो यहाँ पर निकल चुका है, आप उस फेज से आगे बढ़ रहे हैं। आप बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो आप अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो 90% आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जीज की तरफ को बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है कल के दिन पर। कल के दिन पर आप बहुत ही हैप्पी एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पर पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है विद पार्टिसिपेशन का कार्ड है। कल के दिन पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके साथ कोई इंसान पास्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं करनी है। दूसरी बात यह है, कल के दिन पर आपकी एनर्जीज को समझ पाना दूसरों के बस की बात नहीं होगी, तो इसलिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां रखिए जहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पार्टिसिपेट वहां करना है जहां पर आपकी एडवाइस मांगी जाए, या जहां पर आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ पर पार्टिसिपेशन करके अपना 100% देना है, या आपकी एडवाइस की यहाँ पर कदर होगी। आपको
तभी अपनी एडवाइस देनी है, अपनी सोच को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ एथेंस का कार्ड है विद नथिंगनेस का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने डिसीजंस बना पाएंगे। ठीक है, कल के दिन पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको अपना स्टैंड कहीं पीछे लेना पड़े। मतलब आपने जो अपना स्टैंड लिया है, जो अपने डिसीजंस बनाए हैं, आप उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ को कल के दिन पर मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर एक डायरेक्शनल चेंज होने जा रहा है, आप इनोसेंटली उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, काफी सैटिस्फाइड मूव करेंगे। ठीक है, पास्ट की जो गिल्ट की एनर्जीज, इतने दिन हो गए हैं पास्ट की एनर्जीज में घूम रहे हैं आप, कल के दिन पर आप उस एनर्जी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक चेंज इन डायरेक्शन नजर आ रही है और जो पास्ट की बातें हैं वो पास्ट है। अब ना तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, ना आप उसके बारे में बार बार बात करके खुद को परेशान कीजिए। ठीक है, आगे की तरफ को आपको बढ़ना होगा और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन पर, कल के दिन पर आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। कल के दिन पर एक अच्छा टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप फाइनेंसेस को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फाइनेंसेस यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके लिए एक मैसेज है कि जो पास्ट है उसे रिलीज कर दीजिए और थोड़ा टाइम अपने आप को रेस्ट जोन पर रखिए। ठीक है, ऑटम का कार्ड यही इंडिकेट यहां पर कर रहा है। गार्डियन एंजल का कार्ड है, आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। आगे की तरफ को बस बढ़ते जाइए और पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ आगे की तरफ को बढ़िए। ठीक है, आपको डिवाइन के ऊपर फेथ होना चाहिए, आपको अपनी कमिटमेंट डिवाइन के साथ शो करनी चाहिए, आपको अपने जितने भी कंसर्न है वो डिवाइन के सामने रख देने चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। ठीक है, और कल के दिन पर आपको ग्रेसफुल रहना है अपने हर एक मोमेंट पे, बिल्कुल भी हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, जल्दबाजी के डिसीजंस कहीं ना कहीं आपको फंसा देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डिसीजन मेकिंग में जल्दी नहीं करनी है, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ओके, कल का दिन संडे का दिन है। कल का दिन आप सूर्यदेव को पहले तो जल अर्पित करेंगे और उस पानी के अंदर आप थोड़ा सा सिंदूर मिला लेंगे, पानी में लालिमा आ जाए और वो जल आप अर्पित करेंगे सूर्यदेव को। और अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की विश है कि आपको मिल जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या फिर आप उसके लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपकी रेपुटेशन हार्म हो रही है, ये अगर सारी चीजें हो रही है, इसका मतलब सन का कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर, मतलब दोष है कुछ कुंडली में, तो उसके लिए आपको आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ करना होगा। 11 पाठ करने हैं, संकल्प लेकर पाठ करने हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो संकल्प ले लीजिए और उस पाठ को आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है, कनक का दान करना है, गुड़ का दान करना है, शक्कर का दान करना है, लाल कपड़े का दान करना है, ये दान कल के दिन पर आप कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो कल के दिन पर आप एक रोटी के अंदर थोड़ा सा पेड़ा लीजिए, उसके अंदर गुड़ या शक्कर रख के आप लाल रंग की गाय को खिलाइए, उसमें आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको नजर आने शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हार्म हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो शाम के टाइम, कल जब शाम हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा, तब आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आटे का एक चौमुखी दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाएंगे। वहां पर आप अपने एंसेस्टर्स से प्रार्थना करेंगे, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जिंदगी की जो भी मुश्किलें हैं वो उन मुश्किलों को दूर कर दें। ठीक है, और आपकी जो भी इच्छा है आप उनके सामने कहेंगे, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। और आप वहां से जब वापस आए तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कल के दिन पर अगर आपको एंजाइटी की एनर्जी फील होती है, वैसे तो ऐसी कोई एनर्जी है नहीं है, लेकिन आपको अगर बहुत ही ज्यादा आप एंशियस फील करते हैं या आपके घर में कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है, बिकॉज संडे के दिन पर हमारे पास टाइम होता है, तो आप येलो रंग की जो सरसों होती है उसको लीजिए और धूप जो घर में आप लेकर आते हैं उसमें आप सरसों को इस तरह से मिला लीजिए। और उस धूप को किसी मंदिर में नहीं जलाना है, आप अपने पूरे घर में उसका धुआं देंगे। ठीक है, और एक कैम्फर, जो कि हम उसको बोलते हैं कपूर, कपूर को देसी घी में चला के पूरे घर में धुआं दीजिए, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।